देश भर में प्रजापति समाज को अभी तक पिछड़ा वर्ग माना जाता है और इसलिए उन्हें राजनीति में अभी तक भी कोई भी स्थान नहीं मिला। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब राजनीति में हिस्सा भी चाहिए और देश भर में सम्मान भी, यही कहना है प्रजापति समाज के जिलाध्यक्ष रामेश्वर प्रजापति का। पतला विधानसभा के कई गाँव में जाकर प्रजापति समाज के लोगों से मिलकर प्रजापति समाज को मजबूत एकत्रित करने के लिए जिला अध्यक्ष रामेश्वर प्रजापति गाँव गाँव जाकर लोगों को एक माला में परोने का काम कर रहे हैं। दिखाई दे रहा नजारा पतला विधानसभा के गाँव मच्छर का है, जहां पर प्रजापति समाज के जिला अध्यक्ष रामेश्वर प्रजापति ने प्रजापति समाज के लोगों को एक माला में परोने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष ने प्रतला विधानसभा के कई गांवों का दौरा कर सभी समाज के लोगों को एक साथ जुट होकर सरकार में अपनी हिस्सेदारी मांगने की बात कही है। इसी के साथ जिला अध्यक्ष रामेश्वर प्रजापति ने सभी लोगों को आने वाली 29 अक्टूबर को फरीदाबाद ऑडिटोरियम में होने वाले सालाना कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया। साथ ही जिला अध्यक्ष रामेश्वर पतला विधानसभा के कई गांवों का दौरा कर प्रजापति समाज के लोगों का आशीर्वाद भी लिया और प्रजापति समाज को एकजुट होकर मिलकर रहने की भी नसीहत दी। इस मौके पर गांव के लोगों ने जिला अध्यक्ष रामेश्वर प्रजापति को फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत भी किया। जो मेरे समाज के गरीब, कमजोर, दलित, दलित शब्द मैं थोड़ा गलत बोल गया, जो मेरे कमजोर और पिछड़ा जो वर्ग है उनके उत्थान के लिए जो समाज मेरे साथ खड़ा है उसको साथ में लेकर के इनका उत्थान करना है, इनकी लड़ाई मुझे लड़नी है। आने वाली 29 तारीख को ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ रखा जाएगा आपके समाज के लिए? जो मेरा 29 अक्टूबर का इस समाज का प्रोग्राम MCF BKSLM ऑडिटोरियम के अंदर है, उसमें विद्यार्थी सम्मान समारोह तथा वृद्धा सम्मान समारोह है, जिसमें कि जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उसको जागरूक करने के लिए, उसमें शिक्षा में प्रोत्साहन करने के लिए ये सम्मान का दिया जा रहा है और जो मेरे बुजुर्ग हैं उनको सम्मान करने का मौका मिलेगा और इनको आगे सामर्थ्यवान बनाने के लिए कार्यक्रम लगाया गया है।